सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे डीडीसी। बलियापुर प्रखंड के भिखराजपुर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन मुख्य रूप से उपस्थित डीडीसी धनबाद शशि प्रकाश सिंह ने किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं लंबित मामलों के निष्पादन के लिए लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। पीएम आवास योजना एवं कृषि लोन के लाभुकों आदि के बीच स्वीकृति पत्र व चेक वितरण किया। मौके पर डीडीसी ने कहा कि सरकार आपके द्वार के पहले चरण में धनबाद जिले के लोगों का 99% मामलों का निष्पादन किया गया था। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कार्य कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का 100% समाधान हो सके। मौके पर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी, वीडियो अमित कुमार, सीओ राम प्रवेश कुमार, जीप सदस्य संजय महतो, मुखिया दिलीप महतो आदि उपस्थित थे। सरकार आपके द्वारा है तो उसमें कितना निष्पादन हुआ है और इस बार क्या रुझान मिल रहा है? अभी जैसा आपको पता है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत विकासपुर पंचायत में हमने अभियान का आयोजन किया है। इसमें हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे फ्लैगशिप द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों से आवेदन दिया जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पिछली जो सरकार आपके द्वार के लोग कार्यक्रम किया गया था उसमें धनबाद जिले का 99% डिस्पोजल कराया गया था और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। हमारे पीछे जो है लोग आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह है और इसी सिलसिले में मैं भी हर ब्लॉक्स में हर जो पंचायत में बूथ होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। कोशिश कराना है, हमारा उद्देश्य है कि 100% जो है लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। अभी सर कितना स्टॉल, कौन कौन सा स्टॉल लगा है? अभी आप देख पा रहे हैं कि लगभग 12 स्टॉल्स लगे हुए हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, जिसमें से कुछ एक योजनाएँ जो हैं चाहे वो CABG की हो, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना, किशोरी समृद्धि योजना हो, या फिर जो है सबर्जन पेंशन योजना हो, या फिर धोनीशाली योजना हो, ये सब योजनाएँ जो हैं वो विभिन्न विभागों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्टॉल्स के माध्यम से हम लोगों का लाभ पहुँचाने का काम। सबसे ज़्यादा सर भीड़ देखा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास में। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना डेफिनेटली लोगों में जो गरीबी है और तो डेफिनेटली लोगों में डिमांड है कि उनके आवास बन सके। हम लोगों के पास साल में जितने टारगेट्स आते हैं, अभी मुख्यतः जो है ग्रामीण क्षेत्र में दो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, तो इन दोनों में से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट्स इस वर्ष के आए नहीं हैं। जैसे ही वो आते हैं हम लोगों को इस योजना से आच्छादित करने की कोशिश करेंगे। सर यहीं पे कितना मामला निष्पादन कर दिया जा रहा है? डेफिनेटली जैसे हम लोगों को स्टेट और सेंटर से जो टारगेट्स मिलते हैं उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। हम लोग लोगों के आवेदन को ले रहे हैं और आने वाले समय में जैसे हम लोग को टारगेट्स मिलते हैं ऊपर से हम लोग लोगों के आवासों को बनाने का काम करते हैं। अभी अररिया पर उनका भी फोटो देख सकते हैं मैडम हो या फिर जो हमारे विकलांग है हर्षित महसूस कर रहा हूँ। हम पहले जो सरकार आपके द्वारा आया था ये सब दिए थे आप, ये काम नहीं हुआ सर? हम दिए फिर आए हैं यहाँ पे, हम फिर दिए हैं लेकिन मेरा काम आने वाले समय में ये क्या बोला गया? हम बोले यही चाह रहे आपके द्वारा आपका सरकार नहीं चलेगा तो क्या ये जब दिए थे फॉरम में अगर जो हम उसमें 30 रुपये लगा रहे हैं, 10 रुपये एक फॉरम के लगता है, 5 रुपया करके एक फॉरम के दाम है, तो मान लो 5 फॉरम लगाता तो 25 रुपया गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हम धनबाद में हाजिर करते हैं ना, पता हो तो पूछ लीजिएगा पूरा स्टील कट में। आपको पहले बार जो सरकार आपके द्वारा आपके यहाँ में दिए हैं क्या कुछ कहा गया? दिया कुछ नहीं दिया, वही इस बार फिर पहुँचे हैं। फिर पहुँचे दोबारा, क्या लग रहा है इस बार काम हो जाएगा? क्या लग रहा है इस बार काम होगा? इस बार हमारा तो भरोसा भी नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अबुल हसन है, विकराजपुर मेरा घर है, पंचायत भी विकराजपुर है, बाप का नाम अब्दुल कलाम है और